दोस्तों नमस्कार, मैं रमु सिंह। राजेंद्र शुक्ला से क्या उम्मीदें हैं आपको? पूरे विंध्य क्षेत्र के नाम पर राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। क्या आप लोगों को लगता है राजेंद्र शुक्ला पूरे विंध्य के विकास के लिए प्रयास कर पाएंगे? यह प्रश्न इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जब सतना के प्रभारी मंत्री थे तब उन्होंने कहा था, सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी, सतना और रीवा का विकास ट्विंस सिटी की तरह करेंगे, यानी जुड़वा भाइयों की तरह। एक भाई रीवा विकास के नाम पर मोटापे का शिकार हो गया है और दूसरा जुड़वा भाई सतना कुपोषण का शिकार बन गया है। अब आप लोगों को लगता है कि राजेंद्र शुक्ला पूरे विंध्य के लिए विकास करेंगे? चलिए आज आप लोग कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बता ही दें कि आप लोगों को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से कौन कौन से विकास चाहिए। देखते हैं आप लोगों की राजेंद्र शुक्ला से क्या क्या उम्मीदें हैं विंध्य के विकास को लेकर। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम ब्राह्मण कोटा कहें या सामान्य वर्ग के कोटे से बनाया गया है, क्या राजेंद्र शुक्ला सामान्य वर्ग की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या राजेंद्र शुक्ला सामान्य वर्ग के लिए काम कर पाएंगे? राजेंद्र शुक्ला पर शिवराज सिंह के खास होने का भी टैग लगा हुआ है। देखना तो यह भी होगा कि राजेंद्र शुक्ला भले डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं मगर सीएम उनकी कितनी सुनते हैं, क्योंकि विंध्य के नेताओं को बड़े नेता सिर्फ अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। शिवराज ने स्पीकर जैसा महत्वपूर्ण पद विंध्य के गिरीश गौतम को दिया। गिरीश गौतम स्पीकर रहते हुए विंध्य के लिए कोई बड़ा काम किए हो मुझे तो नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। इसका कारण जानते हैं क्या था? गिरीश गौतम के द्वारा बड़ा विकास न कर पाने की वजह क्या थी? वजह राजेंद्र शुक्ला से पटरी न खाना। राजेंद्र शुक्ला से अनबन ही मुख्य कारण रहा है। राजेंद्र शुक्ला सीएम शिवराज के खास और स्पीकर राजेंद्र शुक्ला के राजनीतिक विरोधी बन गए थे। चलिए मैं राजेंद्र शुक्ला से अपनी एक उम्मीद बता देता हूं। सतना प्रदेश का पांचवा महानगर बनाया जा सकता है। सतना में संभावित व हर विकल्प मौजूद है। मेरे पास इसकी पूरी योजना भी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से उम्मीद करता हूं वह सतना को प्रदेश का पांचवा महानगर बनाए जाने की दिशा में पहल करेंगे। इस खबर को पूरे विंध्य में शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।